आप सभी को पीसी शर्मा का नमस्कार और info.com न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत। अभी हम आम आदमी पार्टी पटना के कार्यालय में हैं, जहां पर दिल्ली से बादली विधानसभा से विधायक और पटना और बिहार के चुनाव प्रभारी श्री राजेश यादव जी हैं। कल यहां पर जो है एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में जो है बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। हम राजेश यादव जी से जानेंगे कि कल मीटिंग का क्या क्या माइन्यूट रहा, एजेंडा रहा और आने वाले समय में क्या रणनीति होगी यहाँ चुनाव को लेकर के, 2024 के चुनाव को लेकर के। श्री राजेश यादव जी, कल हमारे कार्यालय में मीटिंग हुई है, तो ये कोई ऐसी मीटिंग नहीं थी, ये रूटीन मीटिंग थी और हमारी हर 15 दिन में 20 दिन में मीटिंग होती है। तो कल हमारे सभी जोन इंचार्ज और हमारे जिला इंचार्ज, उनके साथ मीटिंग हुई और चर्चा हुई है कि जो बिहार में आज इस समय जो हालात हो रखे हैं, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे किसी भी तरीके के हों, इसमें पार्टी की क्या भूमिका होनी चाहिए और आगे हम राजनीति में हमारी क्या भूमिका बिहार में रहेगी, उसकी रणनीति को लेकर हमारी मीटिंग। सर, एक महत्वपूर्ण बात, यहाँ गठबंधन की बात बराबर होती है, तो क्या पार्टी किसी गठबंधन के पक्ष में भी है? देखिए, हमारे पास अरविंद केजरीवाल है, तो हमें कभी किसी को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि अरविंद केजरीवाल कौन है, क्या काम करते हैं। कोई भी दल हो, उसको बताने के लिए उसके पास कुछ नहीं है, चाहे वो देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हो या कोई भी हो। आज बिहार का बच्चा, हर गांव से एक आध बच्चा दिल्ली NCR में या तो पढ़ता है या किसी काम की तलाश में गया है, बहुत सारे परिवार वहां रह रहे हैं। तो सबसे अच्छा बिहार में मुझे ये लगा कि मैं जहां भी गांव में भी, सुदूर के गांव में भी जाता हूं, तो वो कहते हैं जी आपको बताने की जरूरत नहीं, मेरे परिवार के लोग रहते हैं और अरविंद केजरीवाल जो इस देश में काम कर रहा है वो किसी और के बस की है नहीं, और आप भी बिहार आइए। एक दिल्ली चुनाव में जब सरकार बननी थी, चुनाव लड़ रहे थे, उस वक्त का अहम मुद्दा था बिजली, और वो ऐसा रंग लाया कि सरकार जो है बिल्कुल अजर अमर हो गई और आज तक सरकार चल रही है। बिहार में भी एक मुद्दा बना था, क्या इस मुद्दे को भी बिहार में लेकर के चला जाएगा? देखिए, हमारी पार्टी जहां भी जो बात की है, जब दिल्ली में हमने नारा दिया था पहली बार सरकार में, बिजली हाफ पानी माफ, तो सरकार दिल्ली की बन गई, तो आप देखिए बिजली हाफ की बात हुई थी, हमने तो वो हाफ नहीं बिल्कुल ही फ्री कर दी 200 यूनिट तक, और 200 यूनिट से ऊपर 400 यूनिट तक हाफ किया। तो आज दिल्ली में लगभग 60-70% जो लोग हैं उनका तो जीरो बिल आता है और पानी का वहाँ बिल ही नहीं आता। और उसके बाद आज अगर दिल्ली के बारे में कोई चर्चा करे तो पूरी दुनिया में हम कहीं भी जाएंगे तो हमसे लोग जो चर्चा करते हैं कहते हैं जी आपने शिक्षा में बहुत अच्छा काम किया, आपने स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम किया है, आप तो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराते हैं, महिलाओं को जो है फ्री ट्रांसपोर्ट देते हैं, बच्चों को जो है अगर कोचिंग के लिए पैसा चाहिए तो दिल्ली सरकार की इतनी योजना है, कोचिंग तक फ्री कर दी है। तो आज बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट की, जहाँ तक बात है जितनी भी हमारी अनऑथराइज कॉलोनी है उसमें ज़्यादातर पूर्वांचल के लोग रहते हैं, जहाँ 10-10 फीट गहरे गड्ढे थे आज वहाँ सीवर लाइन डल गई है, आज वहाँ पानी की लाइन आ गई है, उनको सड़क मिल गई है, उनके घर के बाहर से बसें मिलती है, ट्रांसपोर्ट चल गई। तो दिल्ली में बहुत काम है बताने को कि सरकार जिस चीज़ पे बनी थी वो तो किया ही किया, उससे 50 गुना काम किया दिल्ली में। एक बात आपने बताई कि बिहार के लोग जो है दिल्ली में, नोएडा में जो है नौकरी करते हैं, वहाँ पर उनको जो है हर तरह से संरक्षण दिया जाता है। बिहार की सबसे बड़ी जो इशू है वो यही है, पलायन, यहाँ पे रोजगार नहीं मिलता है। तो क्या बिहार में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो रोजगार के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ से बुला करके वहाँ नौकरी दी जाएगी या फिर बिहार को ही डेवलप किया जाएगा एज ए इंडस्ट्रियल हब की? देखिए, बिहार क्रांतिकारियों की धरती है और बिहार की जहाँ तक संपदा की बात है, बिहार ऐसा स्टेट है यहाँ आप खेती भी कर सकते हैं, आप यहाँ, आपके पास पानी की कमी नहीं है, मिसमैनेजमेंट है, सिर्फ उस पानी को जो है बर्बाद किया जाता है, तो बिहार के पास अपना सब कुछ है। तो मुझे लगता है यहाँ के युवाओं को दिल्ली जाने की या कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अरविंद केजरीवाल जी की जो नीति है ये मैं गारंटी से कहता हूँ कि पलायन 101% रुकेगा। अभी बिहार का डंका एजुकेशन को लेकर पूरी दुनिया में बजता है, अगर हमारी सरकार यहाँ आती है तो मैं कहता हूँ पूरी दुनिया बिहार में एजुकेशन के लिए आया करेगी अगर अरविंद केजरीवाल जी आ गए तो। सर, एक बहुत अहम सवाल और दूसरा अंतिम सवाल,
आम आदमी पार्टी हो या फिर और भी जो देश में सरकारें हैं, वो नैतिकता पर काम करती है, नैतिक आधार पर काम करती है और लोगों के और राज्य के विकास के लिए काम करती है, लेकिन इन सबसे ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी जो है अनैतिक तरीके से और असंवैधानिक तरीके से लोगों को, जो समाज की आवाज़ है, जो राज्य की आवाज़ है, विकास की आवाज़ है, उनको कुचलने की कोशिश करते हैं। इसके लिए आपकी क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति हमारी हम नहीं बनाते, हमारी तो जो जनता है, बिहार की जनता है। अगर इस देश में सबसे जागरूक किसी को कहा जाता है तो वो बिहार की जनता को कहा जाता है। आज पूरा देश भी देख रहा है और बिहार, मैं यहाँ 2 दिन से हूँ तो 2 दिन से जब मैंने यहाँ व्यूज देखे हैं तो वो खुद उनको मालूम है कि प्रदेश में क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है। और इसका जब समय आएगा तो बिहार की जनता ही रणनीति बनाएगी कि बिहार के लिए क्या अच्छा है। अंतिम सवाल, दिल्ली का जो चुनाव लड़ा गया था पहली बार, उसमें मुख्यमंत्री का चेहरा था, बिहार में अभी तक कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, अभी इसको आप जाहिर करेंगे या फिर ये रहस्य रहेगा? नहीं, देखिए, अभी बिहार में हम आए और अभी संगठन पे और हर चीज पे हमारा जोर चल रहा है और अभी 2024 भी है, 2025 भी है, तो पार्टी के साथ बैठकर हम इस चीज पे विचार करेंगे और जब हमें लगेगा कि ऐसा समय आ गया तो उसी हिसाब से हम अपना ये चीज सारी डिक्लेयर करेंगे। अंतिम सवाल, बिहार में किससे मुकाबला है? बिहार में किससे सीधा मुकाबला है? बहुत सी ये मुकाबला आम आदमी पार्टी का नहीं, क्योंकि हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए, ये तो बिहार की जनता का दूसरी पार्टियों से मुकाबला है। अगर बिहार की जनता चाहती है कि पंजाब मॉडल, दिल्ली मॉडल चाहिए, तो बिहार की जनता अपनी सरकार खुद चुन लेगी, क्योंकि वो बिहार की जनता की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये थे श्री राजेश यादव जी और बता रहे थे कि बिहार में जो है किस तरह से जो है इनकी तैयारी होगी आगामी 2024 की चुनाव की और उसके बाद फिर 2025 के चुनाव की। और मुख्यमंत्री के चेहरे के सवाल पर इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा जो है अभी वो मायने नहीं रखता, अभी संगठन को, संगठन का विस्तार और संगठन को मजबूती प्रदान करना ये हमारी प्राथमिकता है। आगे क्या क्या रणनीति बनती है हम जानते रहेंगे।